हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार और PS2 यानी पोनियन सिल्वन पार्ट 2 का ट्रेलर फाइनली आ गया है। ट्रेलर वहीं से शुरू होता है जहां से PS1 खत्म हुआ था। अरुल मोड़ी और वल्ला वल्लरायन की डेथ हो गई थी श्रीलंका के पास के समुद्र के वहां। तो अब चोल साम्राज्य का बंटवारा हो रहा है। जैसा कि हमने पिछले मूवी में भी देखा था कि मधुर अंतकन प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा चाहता है, बिकॉज अब चोल साम्राज्य के दो ही उत्तराधिकारी रह गए हैं। और ये बात जब आदित्य कलिकारन को पता चलता है तो वो भड़क जाता है। देन हम आदित्य को पागलों की तरह अपने भाई का बदला लेते हुए देख सकते हैं। एस पिछले मूवी भी हमने देखा था कि आदित्य अपने भाई अरुल मोड़ी के डेथ का जिम्मेदार नंदिनी को मानता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि आदित्य लंका के राजा जिसने अरुल मोड़ी को मारा था उसको मारने जा रहा है या फिर नंदिनी को मारने जा रहा है। वही ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में हम वल्ला वल्लरायन को देख सकते हैं जो कि उस इंसिडेंट से जिंदा बच गया है। एंड मे बी ये सीन श्रीलंका का हो सकता है। देन कुछ एक्शन सीन्स के बाद नंबी आदित्य को बताता है कि अरुल मोड़ी अभी भी जिंदा है और हम अरुल मोड़ी को भी फाइट करते हुए देख सकते हैं। अब जैसा कि हमने PS1 में भी देखा था कि नंदिनी जैसी दिखने वाली एक औरत ने अरुल मोड़ी और वल्ला वल्लरायन की जान बचाई थी। तो ये बात जब कुंदवई अपने पिताजी यानी सुंदरा चोलन से पूछती है कि वो औरत कौन थी, तो अरुल मोड़ी हमें बताता है कि वो कोई और नहीं नंदिनी थी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं गाइस, जिस औरत को हमने श्रीलंका में देखा था जो नंदिनी जैसी दिखती थी वो एक्चुअली में नंदिनी की रियल माँ मंदाकिनी देवी यानी सिंगला नचाया, जिनको ओमाई रानी यानी गूंगी भरी रानी जो कभी सुंदरा चोला की लव इंटरेस्ट थी। और यस, नंदिनी आदित्य कलरायन की बहन है, लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता है। अब अगर आपको इस पे और ज्यादा अच्छे से जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पे बना दूंगा। देन हम देख सकते हैं कि नंदिनी आदित्य को मारने और चोला एम्पायर को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि आदित्य ने नंदिनी के हस्बैंड को मार दिया था। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि मधुर अंतकन चोला एम्पायर को टेक ओवर करने के लिए रेडी हो रहा है। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि मधुर अंतकन एक्चुअली में मंदाकिनी देवी का बेटा है और नंदिनी का ब्लड ब्रदर है। देन फिर वही सेम की एक तरफ मधुर अंतकन चोला एम्पायर को टेक ओवर करने के लिए रेडी हो रहा है, वो प्रॉपर्टी का बंटवारा करने की बात कर रहा है और नंदिनी चोल साम्राज्य को मिटाने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और कुंदवई चोल साम्राज्य का बंटवारा होने के अगेंस्ट है। देन फिर कुछ रैंडम शॉट्स के साथ ये ट्रेलर खत्म होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे ट्रेलर देखने के बाद कुछ मिक्स फीलिंग्स हैं। मुझे ट्रेलर ने इम्प्रेस तो किया, लेकिन वहीं पर मैं डिसअपॉइंट भी हुआ हूँ। ट्रेलर में इस बात को रिवील कर दिया गया कि अरुल मोड़ी और वल्ला वल्लरायन बच गए हैं। आई थिंक इस बात को डायरेक्ट फिल्म में ही रिवील करते तो ज्यादा बेटर होता। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ट्रेलर पसंद आया। फिल्म के प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत बताकर ऑडियंस को एंगेज करने की कोशिश की गई है, जो फेयर एनफ है। VFX मुझे थोड़े से इनकंसिस्टेंट लगे, बाकी ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही मस्त था। वैसे फिल्म के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ 28 अप्रैल को ही रिलीज हो रही है। बाकी वेट करते हैं फिल्म का, तब तक आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर। और अगर आपको मंदाकिनी देवी के हिस्ट्री के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे चैनल के पेजेस को जाकर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टिल देन कीप वॉचिंग। शनि बाबा से बचें।